सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिल जाएगा, तो आप लोग गाइस इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप लोगों को बस क्या करना है इस फोटो एडिटिंग को करने के लिए, आप लोगों को जो गाइस मैं फॉलो करने को बोलूंगा गाइस आपको वो स्टेप सिर्फ फॉलो करना है। बाकी गाइस, आप लोग जो एकदम सेम एडिट ऐसे कर पाओगे फोटो गाइस, बस आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना। एंड बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। अभी फिलहाल क्या करना है, आप सभी को ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड जो भी स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, सभी को एकदम ध्यान से एकदम फॉलो करना अच्छे तरीके से, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि इस एडिटिंग में जो आपको थोड़ी रिमलाइट वगैरह भी बनानी है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। तो अभी हमने यहाँ पर मॉडल को लगा दिया है, अब आप सभी को करना है कि आपको मॉडल का एक डुप्लीकेट करना है। एंड डुप्लीकेट करने के बाद जो आप सभी को इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जाने के बाद आपको करना है कि आपको जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में जाना है। एंड इसका अमाउंट जीरो करके ऊपर से मर्ज कर देना है, जैसे आप मर्ज कर दोगे आपको नेगेटिव वाला लेकर उसको दोबारा से मर्ज कर देना है। कलराइज में जाकर आपको जो क्या करना है, यहाँ पे ब्लू कलर रख लेना है, देन आपको रेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना, ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है, ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना है, देन आप सभी को इस तरीके से एक रिमलाइट क्रिएट करनी है, ठीक है, जहाँ पे ब्लू ब्लू वाला एरिया है वहाँ पे, तो हमें दो साइड में है तो हम यहाँ पे ब्लू क्रिएट कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ पे आप गाइस इसमें ऐड भी रख सकते हो, लाइटन भी रख सकते हो और स्क्रीन भी रख सकते हो, ठीक है, तीनों में से आप कोई भी रख लेना। लाइट कम लगे तो गाइस इसका डुप्लीकेट करके ओपेसिटी कम कर लेना, बाकी गाइस एक और डुप्लीकेट बनाएंगे यहाँ पे हम, इसको फिल कर देंगे ये, क्योंकि गाइस क्योंकि हम जाएंगे यहाँ से इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद कलराइज में जाएंगे, एंड यहाँ से जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर वाला जो टोन है उसको ले लेंगे। एंड उसके बाद सेम चीज़ वही करेंगे, रेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करेंगे, ब्रश ओपेसिटी का हार्डनेस कम करके, और जो है जहाँ जहाँ पे जो भी येलो वाला एरिया है वहाँ पे हम इस तरीके से पेंट करेंगे। और वही सेम चीज़ गाइस, अगर आपको ओपेसिटी कम लगे तो डुप्लीकेट कर लेना, बाकी आप इसका ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है। तो अभी हम इसको डन करते हैं फिलहाल के लिए। अब गाइस यहाँ पे हम ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ पे हम जो है कुछ स्टार्स वगैरह के जो पीएनजी हमें ये लगाएंगे। अब गाइस ये पीएनजी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आपको, तो इसमें करना है कि आपको ये बॉर्डर इसमें ऐड करना है, ठीक है, ब्लैक वाला। इससे क्या होगा कि बॉर्डर को ऐड करना है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करोगे ना तो इससे थोड़ा दिखेगा, ठीक है, तो आपको ये ब्लेंडिंग मोड में जो है मतलब कि इस तरीके से लगाना है, ठीक है, इस तरीके से हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं इसका। अब यहाँ पे चेंज करके जो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ओपेसिटी ज़्यादा लगे तो कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अब ले लेते हैं स्टार वाला, इसमें भी सेम वही बॉर्डर ऐड करेंगे ब्लैक कलर का, इसकी हम जो साइज़ है वो कम रखेंगे, ठीक है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम इसको इस वाले एरिया में रखेंगे एंड सेम, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई रख देंगे, एंड उसके बाद जो इसका ओपेसिटी हम कम कर लेंगे, परफेक्ट है गाइस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको करते हैं डन। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव करना है, एंड इसको लेके चलना डायरेक्ट लाइटरूम ऐप में। तो यहाँ पे हमने लाइटरूम ऐप में फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी लाइट करेक्ट करेंगे, तो लाइट में जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि गाइस क्या है कि मतलब कि सबकी फोटो में जो है लाइट का जो सिस्टम है वो सबसे अलग होता है। कई बार क्या होता है कि मतलब कि आप लोग क्या कहते हो कि मतलब कि लाइट जो है हम आपकी तरह बिल्कुल एकदम सेम कलर ग्रेडिंग करते हैं, बट हमारी सेम नहीं हो पाती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कई कई बार क्या होता है कि लाइट वगैरह जो है अलग अलग होती है सबकी फोटोज़ में, तो इसलिए लाइट को जो आप अपनी फोटो की तरह एडजस्ट करना, ठीक है। बाकी कलर्स में चलते हैं, कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, टेम्परेचर को यहाँ पे कम कर देना है, एंड मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना ताकि फेस पे थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाए। देन आपको यहाँ पे येलो कलर लेना है, इसको लेने के बाद आपको इसको यहाँ पे ह्यू कम करना है, फिर उसके बाद आपको लेना डार्क ब्लू, डार्क ब्लू को लेने के बाद आपको उसका ल्यूमिनस इंक्रीज कर देना है, फिर उसके बाद आपको डन करना है यहाँ से, एंड उसके बाद चले जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देनी है, एंड फोटो में डाल देना विग्नेट अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना, नीचे आपको एक फीदर का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसको इंक्रीज कर देना है, एंड चले जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर शार्पनेस बढ़ा देनी है, एंड फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।